मैं घर जाके भी तुम्हारे बारे में सोचती रही। हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी उस दिन। डॉक्टर को दिखाया? नहीं। चलो कुछ अच्छा सा मंगवाती हूँ खाते। तो मंगवाओ, मैं जरा स्टूडेंट्स के पास से वहां। आप चाय? कॉफी खत्म हो गई थी तो आई होप। कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे कहने ही लगा था कि चाय कर दो कॉफी की जगह। तो कहा क्यों नहीं? हक नहीं समझा ना। हक? हाँ, मतलब इस तरह के हुकूक जो हैं वो तो शौहरों के पास होते हैं जो बीवियों से पूरा करवाते हैं। अब दोस्ती में कहा बुरी लगी बात। बैठो। जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत है? वालेकुम सलाम बेटा। अश्विन अभी तक बच्ची को लेने नहीं आई, अब तो काफी रात हो गई है। अश्विन नहीं आई? नहीं। अच्छा अम्मा, मैं खुद आता हूँ। अच्छा बेटा, अश्विन कहाँ रह गई? कैसा लगा तुम्हें घर? अच्छा है, मगर थोड़ा छोटा है। तुम्हारा दम नहीं घुटता यहाँ पे। किसका दिल नहीं करता कि उसके पास बड़ा घर हो, लेकिन फिलहाल तो ये रिजवान का फोन है। कहाँ हो तुम? अश्विन तुम कहाँ हो? अम्मा का फोन आया था। मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने फोन नहीं उठाया। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं सीधा घर आ गई थी। नौशीन? अच्छा चलो ठीक है, नौशीन को मैं खुद लेकर आता। मैं चलता हूँ। कुछ खाओगे? नहीं, फिर कभी। बाय। Such a cute baby. कपड़े गीले क्यों है इसके? ये कोई आया था क्या? हाँ, वो ऑफिस से कुलीग आया था। तबीयत नहीं ठीक थी तो बेध्यानी में उसके डॉक्यूमेंट साथ ले आई थी तो वो लेने आया था। क्यों पूछ रहे? नहीं, वो ये चाय के दो मग पड़े। हाँ तो घर आए मेहमान को ऐसे थोड़ी ना भेज सकती थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है, मेडिसिन ली थी। कल ऑफिस से ऑफ ले लो। नहीं, मैं मतलब ले नहीं सकती ऑफ। क्यों? नई जॉब है रिजवान, काम ज्यादा होता है। इस बार तो शायद संडे को भी जाना पड़े। कपड़े चेंज करेंगे हम। मम्मी के पास गया था वो सालन लाए हूँ टिफिन में। कल आते हुए ऑफिस से कॉफी लेते आना। उसने मांगी थी, झूठ बोलना पड़ा कि खत्म हुई हुई है। ले आऊंगा। क्या बात है, जब से आए हो सिर्फ सोचे जा रहे हो। तुम्हें आज पता चला है? जब से तुम नाराज हुई हो मैं तो सोच ही रहा हूं। साल होने को आया। सॉरी। मेरी वजह से किसी टेंशन में हो तो सॉरी। हो गए तुम लोग की बात होते हुए, अभी तक उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? नहीं।
पैर और शर्मीला होगा बेचारा। वैसे वो करता क्या? मैंने पूछा नहीं। तुमने पूछा नहीं और अपने बारे में सब बता दिया होगा। जाहिर सी बात है, जो सवाल उसने पूछते थे उनका जवाब तो देना ही था ना। इसलिए ना अक्ल से पैदल समझते हैं लोग औरतों को। थोड़ी सी बात के पूछो अपने बारे में सब बता के बैठ जाती हैं और फिर इसी बात का मर्द फायदा उठाते हैं। तुम्हें भी ना उसके बारे में पता होना चाहिए। अब्दुल्ला जी साहब। हाँ भाई, सब रेडी? जो आपने बताया सब रेडी सर। जूस? वो भी एकदम रेडी, फौरन लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। प्लीज, कैसा लगा ये छोटा सा घर? बहुत खूबसूरत है, मुकम्मल, कोई कमी नहीं लग रही इस घर में। कमी तो कैसी कमी? कुछ नहीं, बैठो प्लीज, बैठो, बैठ के बात करते हैं, खाते पीते। क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की? ये इतना सब कुछ तो नहीं है, अभी तो मेरे पेरेंट्स की तरफ नहीं आई। वहां तो रोजाना एक बकरा हलाल होके पकता है, रोजाना, डेली, ट्रस्ट मी। अरे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुलायत खान और शामिल खान के खानदानों के बीच दरिया दुश्मनी चल रही है। दोनों कबीलों के माबैन यह तय हुआ था कि अगर किसी कबीले का फर्द बिला इजाजत दूसरे के कबीले में जाएगा तो उसे कैद कर लिया जाएगा। कैदी को आजाद कराने के लिए हर 6 माह बाद इस मैदान में एक जिरगा बैठता है। कानून के मुताबिक हर एक कैदी के बदले में एक कैदी, लेकिन इस जिरगे में चूंकि गुलायत खान का छोटा भाई शाहजमान खान कैदी है, गुलायत खान को उसके बदले में 5 कैदी आजाद करने हो। देखिए फना पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।